I am back. I am so much happy for the fact that you guys responded so well to my last video. तो क्योंकि last video जो मैंने बनाया था वो था about acne और the information that can cure your acne. आज के video का topic जो है वो है your brows. I'm just tying up my hair in a pony क्योंकि खुले हुए बालों में मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ तो yeah. If you actually watch most of the trending videos in YouTube, आपको तो पता ही होगा कि brow lamination जो है वो बहुत ज़्यादा popular हो रहा है आजकल. फिर इंडिया में तो उतना नहीं पर बाहर मतलब दूसरे countries में बहुत 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 ज़्यादा ये popular हो रहा है. मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी ये try करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ. Brows are like really important things when it comes to your face. Like it can entirely change the way you look. I mean the shape of the brows. So मैंने सोचा कि चलो online search करते हैं कि वो जो brow kit है वो मुझे मिलता है क्या नहीं. और पता है ना क्या कि मुझे नहीं मिला. इंडिया में मुझे ऐसा कोई brow kit नहीं मिला जिससे brow lamination kit बोलो या कुछ भी वैसा कुछ नहीं मिला. तो मैंने क्या किया जो कि हम सब इंडियंस एक्सपर्ट होते हैं करने में, आपको तो पता ही होगा जुगाड़. क्या ज़रूरत है इतना खर्चा करने में जब थोड़े बहुत चीज़ जो कि हमारे मेकअप किट में ऑलरेडी रहते हैं उससे काम चल जाएगा. तो क्या क्या चीज़ें लगेगी आपको? एक तो आपको चाहिए होगा वो स्पूली जो होता है जिससे हम लोग ब्रश करते हैं अपना आईब्राउज, वो चाहिए होगा. दूसरा चाहिए होगा कुछ कॉटन पैड्स ताकि वो क्लीन कर सकें हम. तीसरा चाहिए होगा एक हेयर स्प्रे जिससे हम हेयर सेट करते हैं. और चाहिए होगा एक आई लैश ग्लू जिससे हम फेक आई लैशेज या फॉल्सीज जो हम कहते हैं वो लगाते हैं. ठीक है. सो राइट नाउ आई एम जस्ट क्लीनिंग माई ब्राउज विद अ कॉटन पैड एंड दिस इज़ द आई लैश ग्लू दैट आई एम गोइंग टू अप्लाई विद द हेल्प ऑफ एनी ईयरबड. Now I am brushing my brows upwards with the help of a spoolie. और ये कुछ ऐसा दिख रहा है. Now I'm doing the same technique on my other brow. And I am just looking like the cruising. So here comes the most important and hilarious part of the video. Putting the lamination sheet on my face. So this is my final look and I am thinking whether I'm going to put this on internet or not, like just like let's wait for 10 minutes and then see what happens. उसके बाद भी एक step है जो करना पड़ेगा. Done. देखते हैं कैसे होता है. अभी तो बहुत अच्छी दिख रही हूँ मैं. Let's see. तो आप अपना eyebrows जो threading है वो ज़्यादा like thin तरीके से ना करवाए. थोड़ा सा अगर आपका eyebrows bushy रहेगा तो उससे ज़्यादा अच्छा effect आएगा. So it's been 10 minutes now और अभी मैं इसको उतारने वाली हूँ. Like why I am looking so bad? सब कितने अच्छे लग रहे हैं इसमें यार. So right now I'm cleaning the glue from my brows. तो ये एक हेयर स्प्रे है. अब इसको हमें क्या करना है, ये स्पूली के ऊपर स्प्रे करना है. ठीक है. तो हमने वो हेयर स्प्रे के साथ अपना ब्राउज फिर से सेट कर लिया है. अभी आपको क्या करना है, वो जो लैमिनेशन वाला जो शीट है के साथ अगेन आपको वो अपना आईब्राउज रैप कर लेना है. ठीक है. और लैमिनेशन करवाते वक्त आपको ये ख्याल रखना है कि आपका जो ब्राउज है वो ऊपर जाना चाहिए, ऊपर के डायरेक्शन में. लाइक इट शुड गो अपवर्ड्स. ये मेरा व्यू फाइंडर है और ये मेरा कैमरा है. व्यू फाइंडर वर्क्स लाइक अ मिरर. तो मैं अगर मैं यहाँ दिख रही हूँ तो इसका मतलब है मैं खुद को दिख रही हूँ. ठीक है. चलो अभी 10 मिनट्स होने वाला है. 5 मिनट्स हो गए, अभी होने वाला है 10 मिनट्स. आई एम सो हैप्पी. I mean we'll fix that. चलिए इसको फिक्स करते हैं. ठीक है. दिस इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ द ट्रेंड.
क्योंकि मेरे ब्राउज के हेयर ही इतने ज़्यादा लंबे हैं उसलिए ये दिख रहा है ऐसा. पर आई जस्ट पुट अ लेस अमाउंट ऑफ ग्लू ऑन दिस आई ब्राउ, और ज़्यादा मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लगा लिया था इस पे, तो इसका ब्राउ बहुत ज़्यादा ही ऊपर चला गया है और इसका लाइक नॉर्मल है. पर आई एम नॉट ब्लेमिंग द ट्रेंड, बिकॉज जो पर्पस था इस ट्रेंड का वो था कि आपका ब्राउज सेट रखना है, मतलब इट शुड सेट योर ब्राउज इन प्लेस एंड इट विल सेट योर ब्राउज द ब्राउ हेयर्स अपवर्ड्स. तो वो तो इसने कर ही दिया है. दैट्स नॉट द फॉल्ट दैट मेरे आई मीन दिस इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ द ट्रेंड दैट मेरे ब्राउज के हेयर बहुत ज़्यादा लंबे हैं. तो Now I am setting my brows with the help of a spoolie. ब्रश कर रही हूँ और इसके बाद मैं फिल इन करूँगी अपने ब्राउज़ को, आई मीन इन बिटवीन द गैप्स, एक ब्राउ पोमेड के साथ जो कि मैं अभी कर रही हूँ. सो दैट्स द फाइनल लुक गाइज. आई जस्ट लाइक लो डाउन द ब्राइटनेस लेवल सो दैट यू कैन सी द फाइनल लुक. आई थिंक इट वर्क प्रिटी वेल एंड इट इज़ नॉट लुकिंग लाइक दैट बैड. आई कैन टच द ब्राउज एंड इट्स लाइक स्टिकी एंड इट्स नॉट इट विल नॉट लाइक मूव अ पार्ट और लाइक फॉल डाउन. एंड आई एम नॉट लुकिंग दैट बैड ऑल्सो. It's obviously looking fluffier than before and it is staying in place. I think that it will stay more than 2 hours or 3 hours, up to 3 hours. और एक चीज़ है कि जब आपके ब्राउज के हेयर अपवर्ड डायरेक्शन में रहते हैं तो आपका फेस भी बहुत ज़्यादा लगता है, लाइक स्नैच लगता है, लाइक इट्स काइंड ऑफ अ फेस लिफ्ट फॉर फ्री. So I just zoomed in the camera a little bit so that you can see what's going on finally. Or yeah, it's looking good. इसका जो क्लेम्स था कि ब्राउज को अपने जगह पर सेट रखेगा और अपवर्ड्स डायरेक्शन में रखेगा, वो तो क्लेम इसका सच निकल ही गया. आई मीन ज़्यादा कुछ आपको करना भी नहीं पड़ेगा और फ्लफियर ब्राउज मिल जाएंगे. तो आप ये ज़रूर ट्राई करके देख सकते हैं, मज़ा भी आएगा बहुत ज़्यादा. आई डोंट थिंक कि आई एम लुकिंग दैट बैड राइट नाउ. पहले तो मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं कितना अजीब दिखूंगी, पर आई थिंक इट लुक्स नॉर्मल. तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए. आप मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं न्यू हूँ यूट्यूब पे. ये ट्रेंड ट्राई करे, मज़ा आएगा करने में. और तब तक के लिए बाय. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.